सिंबलाइज करता है लाइफ को, जो कि ऑनगोइंग है, अनंत है। आपके पास जगह ही नहीं रहेगी सवाल करने, जो आप देखें सिर्फ फिल्म के बारे में सोचें, नहीं तो हम पैसा होगा। I'm happy that I did this. आपके सामने एक सच्चाई बन के आ जाती है, रियल हो जाती है। दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक एंग ली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम करके इरफान खान और तबू हैं बेहद एक्साइटेड और नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं लाइफ ऑफ पाई की ही बातें। एंग ली बहुत स्पेशल है एज अ डायरेक्टर, आई थिंक इस वक्त दुनिया का टॉप मोस्ट डायरेक्टर है। ये फिल्म वाकई मुझे बहुत अच्छा फील करा रही है, सिनेमा एट इट्स बेस्ट, 3D at its best. मुझे एंगली के साथ काम करना था। He's one of the finest directors in the world. मुझे काम करके बहुत मजा आया, क्योंकि कुछ तजुर्बे, कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस आप करना चाहते हैं जो आपको खुश करें। It's one of that experience. बेस्ट सेलर फिक्शंस में से एक लाइफ ऑफ पाई की ये अडेप्टेशन 21 नवंबर को इंडिया में रिलीज के लिए तैयार है, जिसका हिस्सा बनना ही इन दोनों के लिए रहा मेमोरेबल एक्सपीरियंस। किताब बहुत पॉपुलर है, मैं पाई की माँ का रोल कर रही हूँ। मेरी शादी से पहले की जर्नी से लेके 10-15 साल तक, छोटा सा रोल है मेरा, कोई लाइक आई सेड सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है। हालांकि मेरी ज़्यादा दिन की शूटिंग नहीं है, लेकिन जितने दिन की शूटिंग है उसमें पूरी फिल्म जो वो दिखा रहा है उस सबको मुझे कन्विंसिंग बनाना है, उस सबको मुझे लोगों तक पहुँचाना है। इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के अपने चैलेंजेस होते हैं, और वही आपको एज एन एक्टर फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है। लेकिन इरफान खान को इस फिल्म से एक शिकायत भी है, जिसका उन्हें हमेशा रहेगा मलाल। तब्बू हमेशा आपके वाइफ का रोल निभाती है और इसमें आपकी माँ बनी है। तब्बू हाँ, टेक्निकली मेरी माँ बन गई, पता नहीं क्यों बनी, मैं तो खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से, लेकिन बन गई है, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया, इस बार पहली बार ऐसा है कि हम एक फिल्म में हैं और हम लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं किया। मेरे बचपने में ही वो गायब हो जाती है स्क्रीन से। जोक्स अपार्ट, वी विश ये फिल्म भी उतनी ही एंटरटेनिंग हो जितनी की ये बुक। सो हियर्स विशिंग देम गुड लक फॉर दिस वन।